बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये देखें जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, शुभ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल जी ठीक ठाक हूँ। बस हो गई है एक नई सुबह के साथ, एक नई आगाज़ के साथ, और दो दिन से ज़रा तबीयत भी मेरी डिस्टर्ब रही है, फ्लू शलू हो गया, गला वाला ख़राब हो गया, तो मैंने कहा आगाज़ करते हैं आज अपनी सुबह का। और अम्मी अभी तक इधर ही हैं, आज शाम में जाएंगी शायद, और फिर आज बनाते हैं हम खाना। आज मैंने कहा फ़िश राइस बना रही हूँ, फ़िश बिरयानी भी कह सकते हो, तो मैंने कहा डिफरेंट है और अच्छी रेसिपी है, तो मैंने कहा अच्छे से प्रॉपर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। और चलते हैं फिर किचन में, अपना काम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है? लीना काम कर रही है, हो गया तुम्हारा काम? जल्दी करो, दिखाओ इस बालों को क्या हो गया तुम्हारे? सुबह उठते ही काम कर रही, तब क्या करोगे? अम्मी बैठ के मोबाइल पे पता नहीं खबरें न्यूज वगैरह सुन रही हैं, और लीना साहब अपना काम शाम कर रही हैं, और जी मैं चलती हूँ एज यूजुअल अपने किचन में। इसको देखो जरा, ये 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 शैतान, ये देखें कैसे कंबल में खुद को लपेटा हुआ इस गर्मी में। मतलब कि यार कुछ भी करना है, हमने छुट्टियां हैं तो हमने मतलब लपेटना है खुद को, मारना है खुद को, पता नहीं क्या से क्या करना है। मतलब सीन चेक करें आप लोग, ये देखें, ये सीन चेक करें जरा, सांप बना हुआ है, वो जो नागिन डांस नहीं है, नागिन नागिन। और तुम जरा टीवी की वॉल्यूम कम करो प्लीज, हेलो सुनाई नहीं दे रहा, बस कम करो। ये नागिन मैं तुम लोग आप लोगों को स्पेशली दिखाना चाह रही थी, बस ये अभी मैं चलती हूँ किचन में। बस असल में ये है कि वो टमाटर कम पड़ गए थे, मैंने गुहार को भेजा, जो बना रहे हैं हम लोग फिश बिरयानी, और साथ उसके लिए चाहिए टमाटर, ये मिक्स मसाले सारे, और लहसुन अदरक और फिश। ये जी प्याज ब्राउन हो गया, अभी इसमें डालते हैं अदरक और ये जी अभी इसमें डालेंगे टमाटर, ये जी फिश हो गई है, ये वाली फिश है, और धो के साफ करके रख दी है। बीच में डालेंगे सारे मसाले, क्योंकि मसाला सारा इसका भून गया। अब इसमें डालते हैं फिश, जी बिल्कुल एहतियात एहतियात से हम इनकी साइडें पलटेंगे, ठीक है? सारी साइडें पलट दी हैं मैंने, ताकि दोनों साइडें इसकी अच्छी सी पक जाए और चूरा भी ना हो ना फिश। बिल्कुल घी और घी में
तल चुकी है और पक चुकी है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी, फिर इसमें डालेंगे राइस, फिर आपको दिखाते हैं। ओके, ये जब इसमें डाल दिया हमने चावलों के सबसे पानी, इसमें डालते हैं गरम मसाला साबित और साबित मिर्चें। ठीक है, साबित डाल देती हूँ वरना उस तरह ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है जी। फिश अभी इसको बॉयल होने देते हैं, फिर इसमें चावल डालेंगे। ये तो जी अभी उबल गए, अभी हम इसमें डालते हैं अपने चावल जो हमने भिगो के रख दिए थे, अभी डालते हैं। ये जी माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं, बस अभी थोड़ी देर में इसको हम दम पे लगाएंगे। जैसे पानी थोड़ा और ख़त्म हो जाता है इसमें दम पे लगाते हैं जी। अभी तकरीबन हो गया है और अभी मैं इसको लगाती हूँ दम पे। दम पे मैं रखूँगी तवे के ऊपर इसको, ताकि अच्छे से इसको दम लग जाए। देख सकते हैं, बस अभी इसको हम लगाते हैं दम। ये जी अभी हमने इसको दम पे लगाया, आग थोड़ी सी आंच ठीक तेज़ करेंगे, फिर कम पे करेंगे। ये जी देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखें ज़बरदस्त और माशाल्लाह से बहुत अच्छे, और चावल भी आप लोग देख सकते हैं कैसे खुले खुले चावल हैं। अभी सर्व करते हैं, हम मम्मी जान को दे खिलाते हैं। ये जी देखिए बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है माशाल्लाह से, अभी सब खा रहे हैं। ये जी बताओ जरा कैसी बनी है नानी सुभान और ये हमदान। चलो जी अभी आज हमने बनाई है ये बिरयानी और सब खा रहे हैं, और जिस भी हमारे बहन भाई ने खाना है तो उसको दावत है। हाँ दावत है ना, वो आएंगे उनको हमारे घर का एड्रेस तो बता। ये जी अभी हम मुझे लेना था कुछ सौदा, मतलब राशन, और सुभान साहब भी मेरे साथ गए, और इस तरफ से अम्मी को भी लेके आए। हम लोगों ने कहा, इधर सुभान ने बोला कि हमें शेक पिला दो, तो इधर हमने अभी शेक का ऑर्डर दिया है और अभी हम वेट कर रहे हैं। ये जी हो गया हमारा एयरपोर्ट रोड, और आगे अभी जाते हैं माल महमूद। लोग इसके बच्चे शेक पीते हैं, ये अच्छा है। क्या नाम है इसका सुबह? ये हो गया सुभान का शेक, ले लो नानी कह दे दो ना। ये जी अभी शेक तो आ गया है, अभी पी लें फिर चलते हैं। हाँ क्या देख रहे हो, टेस्ट करवाओ। ये जी अभी आ गए अल महमूद, यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी है। ये जी मैंने बनाया थोड़ा सा नमकीन अम्मी के लिए, और अभी इसको फुल गल गया है, दम पे लगा दिए हैं। सब मिर्चें लास्ट में डालनी है कि ज़्यादा गल ना जाए। इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा और दम पे लगा देती हूँ। ये जी हमारा दम पुख तैयार हो गया, और ये भी आज हम्मी के लिए हमने दम पोख बनाया, और ये कल वाली चिकन भी है, साथ में रोटियां भी हैं। इस तरफ से आओ सुभान,